योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन यह योजनाएं तब बेमकसद साबित हो जाती हैं जब बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ही विद्यालय से ना मिल पा रही हों। ऐसा ही एक विद्यालय शहर के ग्राम पंचायत ओड़गड़ी में है। विद्यालय निजी कच्चे घर में संचालित है। एक कमरे में सभी कक्षाएं चलती हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए ना तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना ही लाइट की व्यवस्था है और ना ही शौचालय बना हुआ है। इस भवन में रसोई घर तक नहीं है। ऐसे में रसोईया बरामदे में ही खाना बनाती है। विद्यालय में शिक्षा हासिल करने नौनिहाल आते भी हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पीने के पानी के लिए बच्चों को दूर दराज हैंडपंप पर जाना पड़ता है। शौचालय ना होने पर बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता है। प्रधानाचार्य ने बताया कि अनेक समस्याओं से बच्चे जूझ रहे हैं। बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। शौचालय निर्माण किया गया है, पानी के लिए भी भटकना पड़ता है। यह भी कहा कि इस गंभीर समस्या को लेकर जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट साहब को आवेदन पत्र देकर कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कार्रवाई के नाम कुछ भी नहीं किया और ना ही कोई सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। विद्यालय निजी घर में लगवाए तो कुछ दिन में बन जाएगा, विद्यालय मिल जाएगा, लेकिन आज करीब 2016 से हम इस विद्यालय में रह रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रकार की सुविधा नहीं है। आप देख रहे हैं सर कि यहाँ पर बच्चों को टॉयलेट कोई भी प्रकार की नहीं है। खुले में बाहर जाते हैं, ये भी प्राइवेट, यहाँ पर खुले में बच्चे पढ़ाते हैं। और यहाँ कमरा नहीं है, 10x12 का एक कमरा है, उसमें समूह द्वारा पढ़ाया जाता है। दो समूह की यहाँ पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। यहाँ पर पढ़ाई के लिए बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी है सर। जैसा चाहिए वैसा हम तो मेहनत करेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा साधन नहीं है सर। और ऑफिस जो है शिफ्ट जो किया गया है, तो हमारी ऑफिस तीन जगह भी पर है। कुछ मोमरी राण विद्यालय में है, कुछ एक आदिवासी घर में है, कुछ सामान यहाँ पर लाए हैं जो कि हमेशा यहाँ खुला रहता है। बच्चों का शिक्षा का स्तर सही नहीं हो पा रहा है सिर्फ बिल्डिंग की वजह से। बिल्डिंग की वजह से सर, कोई साधन बाहर नहीं है तो उसके लिए नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इससे इसकी जानकारी जो है और कहीं प्रसार? हाँ सर, यहाँ के पालक शिक्षक संघ थे तो बार बार गए, जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दिए, बहुत से ओसी भी लाए और जन सुनवाई के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पाया। तो पालक शिक्षक संघ भी यहाँ मीटिंग में आने के लिए आनाकानी करते हैं कि जब हमारा जब एसएलसी का सुनवाई नहीं होता है कहीं, तो हमको यहाँ पर मीटिंग आने से क्या मतलब। हम लोग बार बार समझाते हैं कि ऐसे बच्चे चला रहे हैं, वर्तमान में इस समय 45 बच्चे दर्ज हैं।